हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉर्टिकल्चर ज्ञान। एंड टुडे वी आर डीलिंग विथ सिट्रस ग्रुप। फर्स्ट वन इज़ मैंडेरिन, है ना। इसका जो बोटेनिकल नेम है मैंडेरिन का, वो है सिट्रस रेटिकुलाटा, ठीक है। और फैमिली है रूटेसी और इज़ इन चाइना। मैंडेरिन ऑक्यूपाइज 50% एरिया अंडर सिट्रस स्पीसीज। जो मैंडेरिन है वो एक ऑक्यूपाई करता है, कवर करता है 50% एरिया अंडर सिट्रस स्पीसीज, ठीक है। 50% वो आधे भाग में मैंडेरिन लगाया जाता है। सीड्स ऑफ सिट्रस डोंट हैव डॉर्मेंसी, सो दे शुड बी सोन इमिडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है जो सीड्स है ना, सिट्रस वो डॉर्मेंसी शो नहीं करता है, डोंट हैव डॉर्मेंसी नहीं होता है, जिसके कारण से इसको इमिडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन लगाना चाहिए, ठीक है। ब्लूमिंग 3 टाइम इन ईयर, ये जो है तीन बार साल में क्या होता है, ब्लूम होता है, फूलता है, ठीक है। फरवरी फ्लावरिंग जिसको अंबे बहार कहते हैं, जून फ्लावरिंग जिसको मृग बहार कहते हैं, और अक्टूबर फ्लावरिंग जिसे हस्त बहार कहते हैं। ये तीन फ्लावरिंग होता है इसमें, 3 ब्लूमिंग होता है इसमें, ये जो है फरवरी जून फ्लावरिंग और अक्टूबर फ्लावरिंग, तो आप ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा है मैंडेरिन आर हाईली ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। अब देखिए मैंडेरिन क्या होता है, हाईली ससेप्टिबल होता है वाटर लॉगिंग से। मैंडेरिन जो है सबसे ज़्यादा अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन आती है तो ये जो प्लांट है या तो सड़ जाएगा या तो फिर ग्रोथ नहीं करेगा, मतलब सड़ ही जाएगा। अक्सर फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस होता है तो उससे सड़ जाते हैं, तो ये इसमें होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन से ससेप्टिबल है, ठीक है। इसके अलावा रूट स्टॉक फॉर एसटीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो रूट स्टॉक है वो है ट्रॉयर सिट्रेंज, जो कि 1.8x1.8 में लगाया जाता है, ठीक है। ट्रॉयर सिट्रेंज क्या है, रूट स्टॉक है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, किसमें, मैंडेरिन में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग। बेस्ट टाइम जो है प्रूनिंग के लिए क्या होता है, लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग। लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग जो है बेस्ट टाइम होता है प्रूनिंग के लिए। इसके अलावा है मैंडेरिन स्वीट ऑरेंज एसिड लाइम ग्रेपफ्रूट, ये जो है हाईली पॉलीएम्ब्रियोनिक है, मोर देन 1 एम्ब्रियो। ओके, इसमें मैंडेरिन में स्वीट ऑरेंज में एसिड लाइम में और ग्रेपफ्रूट में ये जो हाईली पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर का होता है। इसके अलावा है प्यूमेलो तहिती लाइम और सिट्रोन, ये क्या है, मोनो एम्ब्रियोनिक है ना, ओनली 1 एम्ब्रियो। ओके, पुमेलो तहिती लाइन और सिट्रॉन ये है। इसके अलावा नेक्स्ट है रंगपुर लाइम मोस्ट प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक फॉर मैंडेरिन एंड स्वीट ऑरेंज। मैंडेरिन और स्वीट ऑरेंज के लिए प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक, मतलब इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रूट स्टॉक क्या है, रंगपुर लाइम है। रंगपुर लाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक ऑफ मैंडेरिन एंड स्वीट ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पे ये है। इसके अलावा है रूट स्टॉक एडाजामिर, जो कि सिट्रस ऐसा आसामेंसिस है, आर रेसिस्टेंट टू ग्रीनिंग, ग्रीनिंग से रेसिस्टेंट है, कौन सा, एडाजामिर। ओके, रूट स्टॉक जिसका बोटेनिकल नेम है सिट्रस आसामेंसिस। ओके, सिट्रस फ्रूट हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट स्किन, सिट्रस फ्रूट के पास एक स्पेशल फ्रूट होता है, फ्रूट स्किन होता है, जिसे हम लेदरी रिंड बोलते हैं, है ना। ओके, क्या स्किन, इसकी स्किन को क्या बोलते हैं, लेदरी रिंड बोलते हैं ना। सिट्रस इज माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट, सिट्रस जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट होता है, ठीक है। कौन सा लविंग प्लांट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट। इसके अलावा है ट्राइफोलिएट ऑरेंज रेसिस्टेंट टू फाइटोफ्थोरा एंड नेमाटोड्स। ट्राइफोलिएट ऑरेंज जो है वो फाइटोफ्थोरा और नेमाटोड से रेसिस्टेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। ट्राइफोलिएट ऑरेंज जो है रेसिस्टेंट टू फाइटोप्थोरा एंड नेमाटोड्स। ओके, इसके अलावा है किनो वेराइटी ऑफ सिट्रस वाज डेवलप्ड बाय एचबी फ्रोस्ट इन यूएसए 1935। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये किनो वेराइटी जो है सिट्रस की, ठीक है। ये किसके द्वारा, ये है एचबी फ्रोस्ट के द्वारा जो है डेवलप्ड किया गया था, और यूएसए में 1935 में, ठीक है, 1935 में ये डेवलप किया गया था, ठीक है। इसके अलावा है किनो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1959। किनो को जो इंट्रोड्यूस कब किया गया भारत में, ये है 1959, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, किनो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1959। ओके,
नागपुर मैंडेरिन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1894 बाय सूजी राजा भोसले। आप इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था नागपुर मैंडेरिन को? नागपुर मैंडेरिन को सूजी राजा भोसले ने 1894 में, ठीक है, 1894 में सूजी राजा भोसले ने इंट्रोड्यूस किया था, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा है इसके अलावा है जो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेरिन इज हायर देन द सिट्रस स्पीसीज। जो मैंडेरिन की इरिगेशन रिक्वायरमेंट है ना, वो ज़्यादा है किससे? सिट्रस स्पीसीज, अदर सिट्रस स्पीसीज से मैंडेरिन का रिक्वायरमेंट इरिगेशन का ज़्यादा है, ठीक है। किनो कैन बी ग्रोन इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग बाय यूजिंग ट्रायर सिट्रेंच। किनो को हम क्या कर सकते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्या यूज़ करके? ट्रायर सिट्रेंच ऐसा रूट स्टॉक बाय स्पेसिंग द प्लांट 1.8 × 1.8 और 3000 प्लांट पर हेक्टेयर, ठीक है। ट्रायर सिट्रेंच का यूज़ करते हैं तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं और ये जो है रहेगा 3000 प्लांट पर हेक्टेयर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा है वीड्स आर सीरियस प्रॉब्लम इन नर्सरी। वीड्स इसका सीरियस प्रॉब्लम है नर्सरी में। सो ब्रोमोसील इज मोस्ट इफेक्टिव वेडिसाइड इन कंट्रोलिंग मोनोकॉट एंड डाइकॉट वीड। मोनोकॉट और डाइकॉट वीड के लिए ब्रोमोसील बहुत ही इफेक्टिव वेडिसाइड है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा है स्टेट विथ हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस इन इंडिया इज आंध्र प्रदेश। हाइएस्ट सिट्रस प्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेट वो स्टेट जो हाइएस्ट प्रोडक्शन करता है सिट्रस का, वो जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र है, पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है वैरायटी, इसमें एक कूर्ग है, कूर्ग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियली वैरायटी इन साउथ इंडिया, ठीक है। ये मैंडेरिन की ही वैरायटी है कूर्ग, ठीक है, जो कि कमर्शियल वैरायटी है साउथ इंडिया में। और इसके बाद आते खांसी, लोकली नोन है सिक्किम और कमलाज मैंडेरिन, ठीक है, कमला मैंडेरिन या सिक्किम, ये क्या है, खांसी है, ओके। नागपुर में फर्स्ट मैंडेरिन इन दी फाइनेस्ट मैंडेरिन इन दी वर्ल्ड, सबसे अच्छी मैंडेरिन नागपुर मैंडेरिन होता है जो कि सतपुड़ा हिल्स इन महाराष्ट्र में उगाया जाता है। इसके अलावा है सत्सुमा, ये सीडलेस है सत्सुमा, कमर्शियली मैंडेरिन इन जापान, ठीक है, ये जापान में कमर्शियल रूप से उगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा है एम्परर एंड फ्यूटरलेस इंट्रोडक्शन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोडक्शन करवाई हुई चीज़ है एम्परर और फ्रूटलेस, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं सुतवाल जो है इंट्रोडक्शन फ्रॉम नेपाल है सुतवाल, और फिर लड्डू है, लड्डू जो मैंडेरिन की एक वैरायटी ही है, ठीक है। हाइब्रिड जो है किनो है, किनो मैंडेरिन, आपने सुना होगा किनो मैंडेरिन, जो कि किंग इंटू विलो लीफ का ये क्रॉस है, ये जो कि हाइब्रिड है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।